हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हम लोगों के पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है, लाइक हम लोग के पास 3 दिया हुआ है, तो इसको 3/1/3 करना। दैट मीन्स अगर कोई नंबर नोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में करना, और कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसको नोमिनेटर में करना, ठीक है? तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक को क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में है -13। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज 1/-13। देखो, इसका आइडेंटिटी भी होता है। इसका आइडेंटिटी क्या होता है? तो इसका आइडेंटिटी होता है कि सपोज हमारे पास ये कोई नंबर दिया हुआ है, इसे हम लोग a लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू -13, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे करते हैं a इंटू 1/a, तो इसका आंसर आता है 1। तो इसे बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी, ठीक है? तो हम लोगों के पास a का वैल्यू -13 दिया हुआ है, इंटू हम लोग करते हैं -13 इंटू हम लोग करते हैं 1/-13। तो 13 से 13 कट जाता है, आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये होता है इसका आइडेंटिटी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है, आइडेंटिटी निकालने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -13/19 दिया हुआ है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज 19/-13, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 1/5 दिया हुआ है, सो इसका भी निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज ओनली फॉर 5। क्यों ये 5 हो गया? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 दिया हुआ था, डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ था। ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 का डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है -5/8 इंटू -3/7। इसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, ये भी नंबर माइनस में, ये भी नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाता है प्लस। सो ये तो प्लस हो जाएगा, और 5 3 जो होता है 15, सो ये हो जाएगा 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 56। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/50। तो इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 × -2/5। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई करके हो जाता है 2 − 2/5। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज 5/-2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है? तो एक चीज़ आपको ऑलवेज याद रखना है कि 1 एंड -1 दो ही एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो खुद होता है, यानी कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इटसेल्फ होगा, यानी कि ये खुद होगा, ठीक है? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1, ठीक है? इस तरह से हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट आईक्यू।